So it was 17 September 2018, day 2 of our K2K ride, and we were riding from Jaspur to Chandigarh, a distance of around 440 kilometers. Good morning from Jaspur. Sanjay sir, bike ready? Okay, so Jaspur mein subah ho chuki hai hum log ki. Bike ki halat dikha dun pehle. Ye bike par raat ko jo snowfall hua hai wo hai. एंड ये सब वो दिख रही है, बट क्या परफॉर्म किया है कल, शाबाश। हमारा कैंप साइट था और ये हो रहा है मौसम। लिए कल्पिट जिसकी वजह से हम लोग लेट हो रहे हैं, 7:15 बज गया है, फ्लैट टायर। और ये रितेश हमारा मुंह छुपा के बैठा हुआ है, इतने पाप किए हैं तूने पूरी ट्रिप में। वो सही बोल रहे थे संजय सर उधर, मैं बोला स्पेस कौन से चाहिए अलग से, तो बोले कि डेक डीएस के बंदरी चाहिए एक्स्ट्रा। गाड़ी बैकअप व्हीकल में रख दो। कितना हो गया? 30। पर सही है यार ये चीज़ मस्त है, टायर इन्फ्लेटर। 7:15 हो गया है, कल सबसे पहले निकले थे हम लोग लेट से, राजू रितेश का टायर फ्लैट हो गया तो सबसे लेट हो गया। चलो ओके सी यू। यहाँ से मेन रोड तक ही साला ऑफ रोडिंग है। तो बाइक में आपको एक बार दिख रहा होगा अभी फ्यूल का, नहीं दिख रहा तो दिखा दिया। जस्ट एन अपडेट कि कल मैंने पढ़ाया था पेट्रोल ले में, और वहाँ से 350 किलोमीटर चली है बाइक, और अभी भी एक बार बाकी है। एंड जिन लोगों का 115 है उनको पता ही होगा, जिनके पास नहीं है तो 12 लीटर का टैंक है मेरा और अभी तक रिजर्व इस पर लगा नहीं है, क्योंकि अगेन करू से चंडी तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है 365 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में। तो आई थिंक पेट्रोल पंप पहुँचते पहुँचते क्लोज टू 380 किलोमीटर हो जाएगा, रिजर्व नहीं लगा है तो मतलब करीब 9 लीटर कंजम्पशन विथ पिलियन एंड लगेज। कैंप जिसपा जर्नीज ये हमारा स्टे था, कल की वीडियो में दिखाया था। एंड अब यहाँ से सबसे पहले जाना होगा आज टंडी, क्योंकि टंडी पे पेट्रोल पड़ाना है और फ्यूल रिसिप्ट डॉक्यूमेंटेशन सब करना है। टंडी पेट्रोल पंप फुल टैंक हो गया, फुल 850 का होगा, 10.11 ठीक है, 850 ओके। It was already 9:30 by the time we left Tandi. It was sunny, temperature was around 10 degrees and we were on the amazing ghat section from Tandi to Koksar via Sisu. सुपर क्विक क्या अमेजिंग घाट रोड से 80-90 भगा के लेके आए, 20 से 25 मिनट लगे बस टंडी से कोकसर आने में।
अमेजिंग राइड। यहाँ पे हम लोग आते में एंट्री की थी, तभी जाते हैं फिर से एंट्री करनी होगी, और इसके बाद से ही आना है खराब रास्ता रोहतांग पास तक का। ये है वो स्लश जिसके बारे में मैं बोल रहा था, जो आपने मेरे रोहतांग से आते वाले वीडियो में देखा। इतना खराब रास्ता कहीं का नहीं मिला, हम खराब इसलिए भी ज़्यादा क्योंकि स्लश बहुत ज़्यादा है। ये स्लश, ओह फक, गंदा स्लश, पर फिर भी ये उतना गंदा नहीं है जितना गंदा ये ज़्यादा टाइम था। ट्रक फंस गया है, अब लग गया यहाँ पर जाम। हाँ आप निकल, शिट मैन बैड। सबसे खराब रास्ता यही है, पर ये भी एक्चुअली बहुत ही सही है अभी जो हाल इसका जाते में था। इस तरफ की रोड अच्छी है, अब तो फिर उधर की भी काफ़ी अच्छी हुई, पर इस तरफ के लूप्स बहुत ही प्यारे हैं। रास्ता खराब और ऊपर से रोहतांग पास का ट्रैफिक, मनाली यहाँ से रह गया करीब अब 30 किलोमीटर बस, काफ़ी अच्छा खींच लें हम लोग टंडी से। टंडी से निकले थे 9:30 बजे, अभी बज रहे 11, और इस हिसाब से चलेंगे तो मैक्सिमम 11:45 तक मोस्टली मनाली में होंगे। मनाली, मनाली के व्यूज देख लो, मनाली यहाँ से रह गया करीब 10-12 किलोमीटर और यहाँ पे हमने फर्स्ट ब्रेक लिया है आज सुबह से, काफ़ी अच्छी स्पीड में डिस्टेंस कवर कर लिया था। वो अपनी बाइक खड़ी हुई है पीछे, और जो टारगेट टाइम था कि 12:30 तक मनाली पहुँच जाएंगे, मोस्टली पहुँच जाएंगे, उसके आगे मनाली टू चंडीगढ़ थोड़ा टफ होगा क्योंकि रोड भी ख़राब है और ट्रैफिक बहुत बुरा है, और ये रास्ता बहुत ही प्यारा, फुल व्यू, मस्त रास्ते एकदम। यहाँ पे भी चाय मैगी खाई, बैठो शिखा, क्या चीज़ मोबाइल आपका किधर है? श्री सर रेडी, तू अपना कूलेंट चेक कर ले, कपड़े उतार दिए, अभी किधर जाएगा नहाने जरा नीचे, अच्छा लग रहा है भाई निकालने के बाद, रख दिए पैक हो गए, तभी तूने मेरा ड्रोन का वो नहीं रखा था कि तेरे को ये रखना है, समझ गया मैं। चलो चलते हैं, निकलता हूँ मैं धीरे धीरे। एक मिनट, वो बैटरी लेनी है? नहीं लेनी, नहीं मेरे को नहीं लेनी।
मनाली 10 किलोमीटर रह गए। अब ले रहे हैं हम अच्छी रोड और अच्छे व्यूज़ के मज़े। अब मनाली के पास से हो जाएंगी सड़कें भी ख़राब और व्यूज़ तो भूल ही जाओ। व्यूज़ के नाम पे दिखेंगे ट्रक, ट्रैफिक, गाड़ियाँ। वाह, इतना लंबा जाम जो लगा हुआ है। क्या हुआ भाई? अरे इधर लेफ्ट पे देखना, लेफ्ट पे वो देख, वहाँ बंदे खड़े हुए हैं। कुछ हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ? ट्रक मिलिट्री का। दो घंटा दो घंटे से पहले नहीं खुलेगा। तो पीछे एक बाईपास का रास्ता है, वहाँ से निकलेंगे। ये 10-15 मिनट पहले क्रॉस कर लिया होता। कितना लंबा जाम लग गया यहाँ पे। किधर से? यहाँ से जा रहा है? यहाँ से जा सकते ना, वहाँ से आगे जाके होटल है ना। हाँ, होटल के किनारे से ऐसे सीधे। ठीक, रास्ता जा रहा है। थैंक यू। अरे यार ये रास्ता कट रहा है, तभी यहाँ से जाना होगा। नया रास्ता पता लग गया हमको मनाली जाने का। मतलब अच्छी रोड नसीब में लिखी ही नहीं है। यहाँ पर भी उसे जाम लग गया है। ओहो क्या रास्ता है भाई। तू उधर ही जा रहा अभी थोड़ी देर के लिए। ध्यान से। हाँ क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा खराब है। अच्छा बैठ जा। शिट, वो सन्ने सर आ गए थे। जाम वाला रास्ता क्रॉस कर लिया हमने। यहाँ पे लैंड स्लाइड हुई है, पूरी रोड टूटी पड़ी हुई है। खतरनाक शॉर्टकट से क्रॉस किया। किधर जाना? इधर या इधर? मनाली। राइट, टेक इट फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड, दैट इज बेटर। या या, राइट इज बेटर। मनाली रह गया था 10-12 किलोमीटर, आधे घंटे का रास्ता। तो एक घंटा वो एक्सीडेंट और खराब रास्ते का रास्ते ही पूरा वेस्ट हो गया। मनाली टाइम हो रहा है 1:15 और मनाली पहुंच गए हम लोग। पर मनाली में कोई ब्रेक ले नहीं रहे हैं। पहले से तो लेंगे पर लेट हो गया है। थोड़ा और डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसके बाद आगे निकलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मनाली चंडीगढ़ का ट्रैफिक बहुत मिलना है। चंडीगढ़
310। ये क्या है? निकाल दे तो निकल जाएगी। ग्रेट कंडीशन चंडीगढ़ मनाली रोड की। ट्रैफिक यही कराएगा डिले आज। अच्छा डर था हाँ। एक्चुअली कुल्लू होते हुए जा रहे हैं हम लोग, कुल्लू फिर मंडी फिर बिलासपुर। कुल्लू से ही आए होंगे। मार लिए भाई साहब जाम में। ये किधर जा रहा है बाईपास? किधर जा रहा है? कुल्लू कनेक्ट होगा फिर ले ले। हालत खराब हुई थी शाम में। ओहो निकल गया निकल गया निकल गया। चलो रुक जा निकल जाने इसको भी। निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा। निकालो आगे जो बाइक करा के जरा बाइक करा के। हाँ जान ले ली मना लीजिए। ये कुल्लू वाली टनल है और अभी कुल्लू क्रॉस किया है हम लोगों ने। जो प्लान था उससे एक से डेढ़ घंटा लेट चल रहे हैं। ये मनाली के बाद से एक्चुअली गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ट्रैफिक तो बहुत ही ज़्यादा। तो मंडी पहुंचने वाले हैं हम लोग। टाइम हो रहा है करीब करीब 4। ओ वाह ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है यार। दिमाग खराब कर रखा है ट्रैफिक में। के बाद यहाँ पर पेट्रोल पड़ रहा है। डिस्टेंस हो गया करीब करीब 250। ओ 025। हाँ ऑटो रीडिंग ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ के लिए चल रहा है। 5 से 0 to 5 तो मतलब 240 किलोमीटर चली है बाइक 6 लीटर पेट्रोल में। सुंदरनगर क्रॉस किया हम लोगों ने भी। चंडीगढ़ 170 किलोमीटर और रहता है। सुंदरनगर के पहले जो एक छोटा सा स्ट्रेच पड़ता है 4-5 किलोमीटर का अच्छी रूट का। सुबह से निकले हुए 10 घंटे हो चुके हैं। सिर्फ 2 ब्रेक लिए हैं हम लोगों ने और इसीलिए पेट्रोल पंप पे एनर्जी बार खा लिया था। एक्चुअली इसी सब चीज़ों के लिए एनर्जी बार्स पैक करके रखे हुए थे क्योंकि चंडीगढ़ अभी 160 किलोमीटर दूर है और ब्रेक लेने का टाइम नहीं है क्योंकि आगे पता है बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। रोड ख़राब है ही है यहाँ पे। क्या वो स्वराज क्या पड़ता है यार वो स्वारघाट। हाँ स्वारघाट के पास में आगे रोड बहुत ख़राब है तो वहाँ पे पता है बहुत टाइम लगेगा। इसलिए फ़िलहाल शायद कोई और ब्रेक नहीं लेंगे हम लोग। नगर सुंदर सड़कें खराब। ट्रैफिक ने हालत खराब कर रखी है। बहुत ही लंबा दिन हो गया है इसका मतलब 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं अब लगातार बाइक चलाते हुए। 9 बज रहे हैं। स्वारघाट से निकले हैं हम लोग।
रखी एकदम। इजी रितेश दा नहीं उठेगी तब से। संजय सर ठीक है आप? ओके ओके। ओहो पता नहीं कब निकलेगा ये ट्रक फंस गया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ फिर इससे लाइट जलाइएगा अपनी। पिछला नहीं है क्या रितेश? पिछला नहीं है क्या? दोनों ट्रक इतनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। सामने से ट्रक आ रहा है और दूसरा वाला ट्रक बड़ा ट्रक है और वो उसको ओवरटेक कर रहा है कर्व पे। और अभी जस्ट ओवरटेक करते टाइम वो ट्रक पूरा इंक्लाइन हो गया था, मतलब हमें लग रहा था देख के कि ट्रक एकदम गिर ही जाएगा। और यहाँ पे ये आधे पौन घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। हम लोग तो फंसे हुए हैं, उसके पहले से भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। कितनी देर से फंसे हुए ये? घंटा तो हो गया होगा यार, हमारा टाइम वेस्ट कर रखा है। जगह बनी थोड़ी सी, देख बनी है, बनी है। निकली 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 बड़ा ले भाई। ऑलमोस्ट पौने घंटे बाद जाके हम इस जाम से निकल पाए हैं। टाइम हो रहा है 11:30 और पेट्रोल पंप पे आए हम लोग आज के लास्ट प्रूफ कलेक्शन के लिए। और रीडिंग हो गई है 53,210। कितना हो गया यार? 210 और 240, 450 किलोमीटर के अराउंड। और सुबह 7:30 बजे निकले थे, 11:30 बज रहा है। यो रूम कौन सा है? ये रूम होटल स्काई है। ओह रात को 12:45। अबे भाई उधर से क्या उधर ये और उधर टैंक बैग हटा दे यार। तो भी हालत देख के समझ में आ रहा होगा ये एक बार नहाने और दो बार मुंह धोने के बाद ऐसी हालत हुई है कि मैं वीडियो ले पाऊँ। मिट्टी थी मनाली टू चंडीगढ़ की मिट्टी, काला हो गया था पूरा चेहरा। तो राइड देखी है आपने, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस थी। 12 बजे हम लोग चंडीगढ़ पहुँचे और अभी बज रहा है रात का 2। डॉक्यूमेंटेशन निपटा के और खाना पीना सब करके अब सोने जा रहे हैं क्योंकि कल सुबह 6 बजे फिर से निकलना है। तो आज की राइड करीब करीब 15 से 16 घंटे की थी और बहुत ही ख़राब स्ट्रेचेस थे, दिखा ही होगा वीडियो में। स्पेशली वो जो दो ट्रक्स आपस में लड़ गए थे, बहुत ही ख़राब था। पर यही एडवेंचर Day 2 K2K ट्रिप का ओवर हो गया है। और लेह से जिसपा Day 1 था जो वीडियो डाला था और जिसपा से अब आ गए हैं डायरेक्टली चंडीगढ़ और कल सुबह यहाँ से निकलना है ग्वालियर। तो बस दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। 4 घंटे की नींद लेनी है तो मैं जाता हूँ सोने। आप लोग प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, कमेंट से बताना कैसा लगा और शेयर ज़रूर करना क्योंकि हमें पहले कपल जो R15 पे ऐसा कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो बाय, लव यू ऑल। That's it from this video. Don't forget to hit that subscribe button.